भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार उड़ीसा के लोगों को देगी, जिसकी वजह से भाजपा अकेले नहीं लड़ेगी। तीन चार विषयों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो पिछले फरवरी में भी हम लोगों ने केंद्र सरकार की ओर से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे लोकल डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए उसको लेकर के गाइडलाइन जारी करी है। और हम लोगों ने जो हमारे स्थानीय निवासी हैं, जिस भी वन क्षेत्र के नज़दीक रहते हैं, उनके लिए कंपनसेशन की भी व्यवस्था करी। दूसरा विषय, हम लोगों ने जहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे आज हमें गजमित्रों से मिला, हमारा जो प्रोजेक्ट चीता है वो हमने चीता मित्र बनाए हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उन ट्राइबल्स को भी हमने लिया है। तो हमारा ये मानना है कि जो स्थानीय कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, उनका जानवर के प्रति लगाव, लेकिन इसके साथ ही साथ स्थानीय क्षेत्र में इको टूरिज़्म का भी विकास, उसको भी लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो, फिर विकास के प्रोजेक्ट में भी मिटिगेशन मेजर्स को ऐसे अपनाए जाएँ ताकि उनको अपना हैबिटेट छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े। इन सारे विषयों को लेकर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के नाते काम कर रहे हैं। और इसलिए 29 जुलाई को अभी हमने टाइगर डे को कॉर्बेट में मनाया, पिछली बार 12 अगस्त को एक कार्यक्रम हम लोगों ने केरल में पेरियार में किया था, इस बार ये कार्यक्रम हमने उड़ीसा में किया। हमारा कार्यक्रम करने का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट को जानना, स्थानीय समस्याओं को समझना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। जल्दी आ जाएगा, हमने टाइगर सेंसस के साथ उसको शुरू किया था, और क्योंकि हम टाइगर का सेंसस तो एक लंबे समय से कर रहे थे, अभी आपने संख्या भी देखी है, एलिफेंट का हमने पहली बार साथ मिलकर किया है, उसमें हम उसको और साइंटिफिक दृष्टि से दो तीन और विषयों पे जांच करना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष के दिसंबर तक हमारा सेंसस आ जाएगा। सर, उड़ीसा में हाथी हत्या की खबर और अगले दिन हाथी दान की तस्करी होती है, जिससे हत्या की खबर। हम उसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पिछली बार मैंने उड़ीसा के अधिकारियों को बुला करके इसका संज्ञान भी लिया था, हमने एडवाइजरी भी जारी करी थी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी ऐसी समस्या हो आप हमें बताइए, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वन कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी बीच में एक वन कर्मचारी के ऊपर अटैक भी हुआ था, मैंने उस पर संज्ञान लिया था, उसको करने के बाद उड़ीसा सरकार ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करी थी। और आज भी आपने देखा होगा मेरे विषयों पे, जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो नीचे पूरी सुरक्षा का काम करते हैं फॉरेस्ट की, उनके प्रति किसी भी प्रकार के अगर पोचर्स के द्वारा एक्शन लिया जाता है तो इस मामले में हम पूरी तरीके से हम भी दे रहे हैं, हमारे लोगों के पास भी इक्विपमेंट्स हैं। मेरी कोई जानकारी में नहीं है, अक्टूबर में देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। सर, जैसे उड़ीसा सरकार शिकारियों के लिए जॉइंट टास्क फोर्स गठन किए हैं, जैसे केंद्र सरकार हम पूरी तरीके से, हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूट है, हमारे डीजी स्तर के अधिकारी है, वो राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम को लेकर हम पूरी तरीके से, जो केंद्र सरकार में हमारी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो सभी स्टेट्स को डायरेक्शन देगी। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाएगी और एक अच्छी सरकार उड़ीसा के लोगों को देगी, जिसकी वजह से भाजपा अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं, भाजपा पूरा चुनाव लड़ेगी।